बताऊं उस जगह पे एकदम रामचेक। एक बार में पूरी दिख भी नहीं रही, मुंडी घुमा घुमा के देखना पड़ रहा है। मैं बोल रहा है ये जगह का अलग से स्टेशन होगा, लोकल आती रहेगी इधर, क्या मालूम। अमीर लोग चिकनी हुई रास्ते पे फिसलते नहीं क्या? कहाँ रे टंकी, कहाँ अपनी ये घिसी पिटी चप्पल और कहाँ अमीर लोग के महंगे जूते चप्पल। वो देख क्या मस्त लाइट है, बहुत अमीर लोग है ये, मस्त चैरिटी मिलेगा इधर। अरे पर कभी मिलेगा चैरिटी और किधर मिलेगा चैरिटी? मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम लोग उधर जाओ और मैं उधर जाती हूँ, पर एक बात याद रखना, अपन के हाथ से चैरिटी निकलना नहीं चाहिए। अरे यार किधर मिलेगी ये चैरिटी? अरे जरा ध्यान से, ये चैरिटी का सामान है, बहुत कीमती है। सॉरी मैडम। इट्स ओके। आज कुछ भी करके ये चैरिटी मेरे को मम्मी के वास्ते लेके जाने का है। मैं अपने घुंघरू अपनी उम्मीद नीलाम नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने घुंघरू वापस लेकर रहूंगी। कुछ नहीं, तो चलना उधर। वो लोग चैरिटी के बारे में बता रहे, याद है ना हम लोग इधर चैरिटी लेने के लिए आए? हाँ। उधर हम लोग को रहना पड़ेगा। क्या कर रही तू इधर, लाडू खा रही है? नहीं नहीं, मैं लाडू मैं नहीं खा रही। सही बोला, अपन इधर चैरिटी के लिए आया, लाले लाडू खाने थोड़ा ना आया, मम्मी के लिए चैरिटी लेने के वास्ते आए। चैरिटी? तो तू इधर क्या कर रही है? तू इधर क्या कर रहा है? मैं तेरे को इधर लेने के लिए आई। अपनी जान दे दे। क्या कर रही है नूपुर? ये घुंघरू मेरे हैं, आई अपनी चीज वापस ले रही हूँ बस। घुंघरू वापस रख दे। नहीं आई, ये घुंघरू मेरे हैं, मैं लेकर ही जाऊंगी। पागलपंती नहीं करते, ये घुंघरू नहीं पनोती है, इसकी वजह से आज हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है। इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है, तूने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा नूपुर। 7 साल पहले अगर तूने अपने घुंघरू और नाटे पे कम और पायल पे ज्यादा ध्यान दिया होता ना, तो आज मैं अपनी पोती के स्मारक ट्रस्ट के उद्घाटन पे खड़ी होकर तुझसे इस तरह से बात नहीं कर रही होती। भाई नूपुर क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये घुंघरू आज यहाँ पर नीलाम होंगे। पूछ नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं, पायल के साथ साथ नृत्य के साथ भी तेरा रिश्ता मर चुका है नूपुर। अभी सच्चाई को स्वीकारने का वक्त आ गया है। तुमने सुबह सुबह वाइट पहनने से मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर यहाँ का तमाशा मत खड़ा करो प्लीज। ये घुंघरू मुझे दे दो प्लीज। नूपुर मत करो सर,
सब लोग तैयार है ना, जैसे वो डांस बारात वाले टीवी शो में सबको मंच पे बुलाते हैं ना, वैसे अपने को उधर बुलाएंगे। मस्त मजे से जाने का है, सबको थैंक बोलते हुए। जोशी परिवार नुपुर जी के घुंघरू को ऑक्शन करके अपनी बेटी पायल जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। सो द बिड ओपन्स एट 50,000, 70,000, 90,000। इसका क्या मतलब है? 1,50,000। ये लोग क्या कर रहे, अपन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये घुंघरू में हीरे वगैरह जड़े हैं क्या? इतना सारा पैसा मिलेगा घुंघरू के बदले? पक्का कुछ तो खास बात रहेगी ये घुंघरू में। 2,00,000, 3,00,000। इतने सारे चैरिटी में तो मम्मी आजू बाजू की खोली भी खरीद डालेगी। 3,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 4,50,000। नपुर, छह लाख, 7,00,000, 8,00,000, 9,00,000, 10,00,000। अरे ये लोग तो फास्ट लोकल बने पड़े हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अपन लोग ना एक काम करते, किसी से पूछते कि अपने को चैरिटी कब देंगे। हेलो एक्सक्यूज अंकल, वो चैरिटी हमारे नाम का है, कभी मिलेगा हमें? अरे टंकी, वो जो दादी है ना, वीआईपी के माफिक लग रही है, उनको पक्का पता होगा। तुम सब इधर ही रुको, मैं पूछ के आती हूँ। 11,50,000 नुपुर जी के घुंघरू, 11,50,000, 11,50,000, 1,00,000, 11,50,000, 2,00,000, 20,00,000। बहुत हो गया, अभी आंटी को बोलती हूँ कि दे दे हमें हमारा चैरिटी। ये बोली मैं जिसकी तरफ से लगा रही हूँ, उनकी एक रिक्वेस्ट है कि अभी उनका नाम ना बताया जाए। 20,00,000, 1,00,000, 20,00,000, 2,00,000, 20,00,000, 3,00,000 एंड सोल्ड। ये घुंघरू उस डोनर के हुए जिसकी तरफ से आपने बोली लगाई, हमारी तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच वो इंसान है जो दिल से गरीब बच्चों की मदद करना चाहता है। जोशी परिवार उस इंसान के बारे में जानना चाहेगा। जी, इस वक्त मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि डोनर की इच्छा है कि ये घुंघरू उन्हीं की धरोहर बनकर उन्हीं के पास रहें जो इसकी सही हकदार है, नुपुर जोशी जी। इस सब के पीछे नुपुर है, ये बात मैं जानती हूँ। हम आपकी हमारा पायल की तरह ये घुंघरू भी मेरा हिस्सा है। बहुत मायने रखते हैं घुंघरू मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। चैरिटी के चक्कर में मम्मी से झूठ बोल के इधर आए। चिकू वो घुंघरू हुआ तो अंकी, तू प्लीज बाद में रोएगा, पहले तू वो घुंघरू के बारे में बता। वो वहाँ वो आंटी लेके जा रही। तू
घूंगरू कहाँ जा रही है? टंकी रुको ना, अपन सब खेलते मिलके मांगेंगे तो शायद दे भी दे। टंकी हम लोग मांगेंगे नहीं, याद है ना मम्मी क्या बोलती है, अपना हक मांगने का नहीं छीन के लेने का, और चैरिटी अपन लोगों का हक है, वो तो अपन लोग इनसे छीन के देंगे। इनका तो अंडा बहुत पिच गया हूँ। मैं खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ, इन पायल बहुत पसंद थे ये घुंघरू, इन्हें देख के बहुत खुश होती थी, बजा के हंसती थी। पार्वती माँ आपके गणेश भी ऐसे नटखट थे ना, मुंह में मोदक दबाए मूषक की सवारी करके कहीं भी चले जाते थे और आप उन्हें ढूंढती रहती थी। मेरी जीव भी बहुत नटखट है, सात साल पहले पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक ढूंढ रही हूँ उसे, आई नहीं वो। मेरी पायल मुझे जरूर मिलेगी। नूपुर जी आपको मिलन से ढूंढ रहे हैं। कर रही तू जो करना है ना वो कर, तू ना एक काम कर लाडू को मत देख, वो भी तुझे नहीं देखेगा। मैंने कहा चोरी करना बुरी बात होती है। चोरी? कौन सी चोरी? मैं चोरी नहीं कर रही थी। अच्छा बच्चू,
कोई चीज बिना किसी से पूछ कर लेना, बिना बताए लेना चोरी कहलाती है ना। बरोबर बोल रहे आप। हाँ, ये लाडू तो भगवान जी के सामने रखा है ना, मंझे ये उनका प्रसाद है। और प्रसाद लेना तो अच्छी बात होती है ना, अगर भगवान जी का प्रसाद नहीं लेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैंने इसी ले लिया। और ये लाडू तो खुद मुझे बुला रहा था। चीकू आजा, मुझे खा जा, आजा आजा, खा जा खा जा खा जा। उसके लिए मैंने खा लिया। अच्छा अब खा तो लिया, ये बताओ कि लड्डू का टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा लगा? लड्डू तो मस्त था, पर कुछ तो भी एक कमी थी। वो बात नहीं है। वो बात नहीं है? कौन सी बात नहीं है? वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, पर वो बात नहीं है। अभी मैंने लाडू तो गपच लिया, भगवान जी भी खुश, लाडू जी भी खुश, पर अभी ये घुंगरू जी ऐसे रखे मंझे, अगर इन्हें कोई नहीं पहनेगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, घुंगरू जी गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं ले लूं घुंगरू जी को। बाप रे, तुम्हें सबकी कितनी चिंता रहती है। इसे बात तो सही है। ये घुंघरू भी महादेव नटराज जी का प्रसाद है, ये भी तो कहते हैं ना। आ जाओ ये पहन लो, ऐसे में कोई इन्हें ना पहने, इनका अनादर करे तो नटराज जी और घुंघरू दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। ये घुंघरू के पीछे लाखों का चैरिटी, बहुत स्पेशल रहेगा ना ये घुंघरू। इसको पहनने से जास्ती मस्त डांस करने में हेल्प होती है क्या? ओ मेरी जीओ, तू मेरे दिल की धड़कन, लाडू सी मीठी पायल मेरी छन छन। बताइए ना, ये घुंघरू पहनने से मस्त डांस करने में हेल्प होती है क्या? मैं तो घुंघरू नहीं पहनती, पर इसके बावजूद मैं मस्त डांस करती हूँ। अपने को म्यूजिक क्या, अपन मोटर की गुड़ुम गुड़ुम भी चालू करके दो ना, तो अपन उसमें भी डांस कर सकती है। अच्छा सच में तुम्हें डांस आता है? अरे बोले तो एकदम छत पाट। अपने को ना सिर्फ तीन ही चीज मांगता है, एक तो सोना, दूसरा नारियल लाडू खाना और तीसरा डांस करना। बोले तो म्यूजिक सुनते ही ना अपनी बॉडी अपने आप ही डांस करने लगती है। मेरी पायल भी आज इसकी जितनी बड़ी हो गई होगी। मेरी मम्मी है ना, वो मेरे को बोलती है, चिकू तेरे ऊपर ना पप्पा का आशीर्वाद है, तभी तो इतना मस्त डांस करती है मैं। अच्छा मम्मी है आपकी? अरे है ना, बोले तो किसी रोइन से कम नहीं है अपन की मम्मी। मेरे पास ना मेरी मम्मी की एक फोटो है, मैं दिखाती हूँ आपको। Thank you.
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।